फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी टेस्टी खाना बनाने की कुछ टिप्स। पहली टिप है, चपातियों को किसी साफ कपड़े में लपेटे और उसे हवा बंद डिब्बे में रखें या उसे प्रेशर कुकर में रखें और उसे 2 सीटियां आने तक पकाएं। और आप कभी भी बासी रोटियों को ताजा बनाकर परोस सकते हैं। दूसरी टिप है, यदि आप नींबू को साधारण तापमान में कमरे में रखो तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक ही अच्छे रहते हैं और बाद में खराब होने लगते हैं। लेकिन यदि आप नींबू को फ्रिज में रखो तो आप ज्यादा से ज्यादा समय तक आप इन्हें चला सकते हैं और खराब होने से बचा सकते हैं। तीसरी टिप है, राजमा या उड़द की दाल बनाने के लिए पानी में उबालते समय नमक नहीं डालें, इससे वो जल्दी पकेगी। नमक दाल गलने के बाद ही डालें। नेक्स्ट टिप है, चावल को नरम और मुलायम बनाने के लिए चावल बनाते समय उसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल दें। अगली टिप है, नारियल को गीला करें और अपने मन में ही उंगलियों की सहायता से नारियल के मध्य भाग में एक लाइन बना लें और फिर उसे तोड़ने की कोशिश करें। आप देखकर अचंभित हो जाएंगे कि नारियल समान टुकड़ों में ही टूटा हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पूरिया खस्ता बनाने के लिए आटा गूंथते समय उसमें 1 चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें, इससे पूरिया खस्ता बनेगी। अगली टिप है, पनीर बनाने के बाद बचे हुए पानी से आटा लगाने से तंदूरी चपाती नरम बनती है। नेक्स्ट टिप है, प्याज को फ्राई करते समय हल्की सी चीनी डालने से प्याज जल्दी ब्राउन हो जाती है। अगली टिप है, दही जमाने के लिए अगर आपके पास जामुन नहीं है तो गुनगुने दूध में 1 हरी मिर्च डालकर रखने से दही तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट और आखिरी टिप है, इडली डोसा का खमीर अगर खट्टा हो गया है तो उसमें आप नारियल का दूध मिलाकर आप अपनी डिश बना सकते हैं, जिससे खट्टापन चला जाएगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टूडेज फॉर मोर वीडियोज़।